आ जाओ ऐसे आ जाओ, आप बीच में भाई सब। और संवाददाता शिवेंद्र बघेल जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, अभी तक मालूम चल रहा था कि जो महिला पार्षद हैं वो कहीं गायब हो गई हैं, उनका कोई पता नहीं है, कांग्रेस के पार्षदों के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा था, और अचानक से एक नई तस्वीर निकलकर सामने आती है। जी मैं आपको बता दूं कि 13 और 14 तारीख को जो कांग्रेस के 18 पार्षद हैं जिन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, अविश्वास प्रस्ताव की बात कही थी, उनकी परेड होनी थी और परेड के दो दिन पहले ही ये दो पार्षद लापता हुई थी जो कि अब भोपाल में बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन कर ली है। तो कुल मिला के कांग्रेस के जो पार्षद हैं लगातार कम हो रहे हैं। इसके पहले भी 3 पार्षद बीजेपी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए और अब फिर 2 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर संशय बरकरार है कि उनको जरूरी जो आंकड़े 15 हैं वो पूरा कर पाते हैं या कि नहीं, और वहीं बीजेपी इस फिराक में है कि वो 15 के आंकड़े ही न पूरे हों और जिला कलेक्टर ही जो के परेड में ही अविश्वास प्रस्ताव गिर जाए। जी, और ये इतिहास में शायद मध्य प्रदेश की नगर निगम में पहली बार हुआ होगा जब 18 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया और इसके बाद ये एक नई तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। क्या नाराजगी थी इनकी कांग्रेस पार्टी से? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस के पार्षद हैं और कुछ बीजेपी के भी पार्षद हैं जो दबी जुबान स्पीकर पर आरोप लगा रहे थे कि वो जनहित के मुद्दे को ध्यान नहीं देते हैं और जो मुद्दे उठाए जाते हैं उसको नगर निगम के विजिट में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि किसी स्पीकर के खिलाफ प्रदेश में अविश्वास प्रस्ताव का प्रयास किया जा रहा था। इसके पहले जो नगर पंचायत अध्यक्ष महापौर तक अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे, लेकिन स्पीकर का ये पहला मामला था जो मध्य प्रदेश में के इतिहास में सतना का बनने वाला था, लेकिन अब संभावनाएं कम नजर आ रही क्योंकि बीजेपी ने जो अपने सी प्लान होता है उससे काम शुरू कर दिया है और कांग्रेस के 2 जो पार्षदों को अपने बीजेपी में शामिल करके पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम अध्यक्ष जो है राजेश चतुर्वेदी वो अपने पद की गरिमा के अनुरूप काम नहीं करते हैं और यही नाराजगी हावी पड़ी, भारी हुई और उसके बाद ये एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है कि कांग्रेस के पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। खुद बीडी शर्मा पहुंचे और उन्होंने इन सभी कांग्रेस पार्षदों को बीजेपी की सदस्यता दिलाते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर भोपाल से। भारी बारिश पर सीएम की आपात बैठक बुलाई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जाना हाल, जिलों के हालातों की समीक्षा की गई, राहत बचाव के दिए गए निर्देश। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां भारी बारिश पर सीएम की आपात बैठक बुलाई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालचाल जाना गया, जिलों के हालातों की समीक्षा की गई, राहत बचाव के निर्देश भी दिए गए हैं। तो भारी बारिश और इसके चलते बाढ़ जैसी स्थिति कई जगह बनती हुई नजर आ रही है और यही हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई है, जहां पर जिले के हालातों की समीक्षा की गई, राहत बचाव के लिए निर्देशित भी किया गया है। साथ ही साथ भारी बारिश पर सीएम की आपात बैठक, और इस बैठक में आप देखेंगे जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, जिलों के हालातों की समीक्षा और साथ ही राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए गए। और खबर भोपाल से, जहां भारी बारिश। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सुपरफास्ट।